अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ में जो है वेज कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और ये हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और एकदम मतलब क्विक तरीके से हम लोग इसे बना के तैयार करेंगे। और बहुत ही ना झटपट वाली सब्ज़ी ये बिल्कुल हम ऐसे तैयार करेंगे, और ये बहुत ही आसान होती है और इसमें हमें जो है ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं होती। ये पूड़ी, पराठे, नान, रोटी बहुत अच्छी लगती है ये, और टिफ़िन के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहता है ये। तो जी, इसके लिए जो है मैंने एक कप के करीब भिंडी ली थी, और इसको जो है वॉश करके इसको बिल्कुल डीप फ्राई कर लिया था मैंने। देखिए, बिल्कुल डीप फ्राई की हुई मेरी भिंडियाँ हैं। और जी, यहाँ पर जो है एक कप के करीब गाजर ली थी, हाफ कप आलू लिए थे, और एक कप ही जो है मैंने बैंगन लिए थे। इन सबको भी जो है मैंने डीप फ्राई किया था। फ्राई हम लोग इसलिए करते हैं, इसमें क्या है, इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है वो इससे कम हो जाती है। इसमें जो है ये अच्छे से हमारी जो सब्जियां हैं वो कुक हो जाती हैं, और प्लस जो है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने ये सब्जियां ली, और आप लोग चाहें तो इसमें और भी सब्जियां जो है वो ऐड कर सकते हैं, करेले, टिंडे और मटर, फ्रेंच बीन, बरबटी, ये सब चीज़ें जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ अभी यही ली हैं, चार सब्जियाँ। और जी, पाउडर मसाले में जो है एक चम्मच नमक, दो चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और तीन चम्मच धनिया पाउडर, और दो पिंच के करीब जो है हल्दी लिया। अब जी, धनिया पाउडर जो है वो मैंने इसलिए इसमें ज़्यादा लिया क्योंकि हम लोग जो है ये बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं, तो इसमें जो है हम अगर धनिया ज़्यादा डालेंगे तो हमारी सब्ज़ी का फ्लेवर अच्छा बनेगा और लुक भी बहुत अच्छा आएगा। इसमें जो है मैंने एक स्मॉल साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अदरक और लहसुन का जो है मैंने पेस्ट लिया है। और जी, मैंने जो है यहाँ पर दो टमाटर को जो है मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, तो इसका पेस्ट बना के तैयार रखा है। और जी, अब यहाँ पर जो है मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो मैं इसके अंदर तेल ऐड करूँगी। जी, तेल जो है मैं बिल्कुल दो चम्मच के करीब इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा ज़्यादा ऑयल नहीं जाता है। ज़्यादा ऑयल जाता है तो फिर मसाले जो है वो अलग भागते हैं सब्जियों से, तो दो चम्मच के करीब जो है मैंने इसके अंदर ऑयल जो है वो ऐड किया है। और हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम जीरा ऐड कर देंगे, और इसी के साथ इसमें हमारी प्याज भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी प्याज जो है ये हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। हाफ चम्मच लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हल्का सा पानी भी ऐड करेंगे, छोटी वाली दो चम्मच के करीब। ये हमने इसलिए ऐड किया है ताकि हमारी प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और अब इसके अंदर जो है हम अपनी टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे, और इसको जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमें जब तक फ्राई करना है जब तक हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से जो है सरफेस पे नहीं आ जाता है। और अब जो है हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड कर देंगे, और इनको जो है हम मिक्स करेंगे। इन मसालों को हम हल्का सा जो है पकने देंगे जब तक हमारा ऑयल अलग नहीं हो जाएगा। और जी, देखिए हमारे ये मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हमारा ऑयल सरफेस पे आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो है अपनी पूरी फ्राई वेजेस जो है जितनी भी हमारी वो ऐड कर देंगे। और जी, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जो है मसालों के साथ रहने देंगे 5 मिनट। देखिए, हमारी मिक्स वेज की सब्जी है ये बन के तैयार हो गई है, और देखिए कितनी डिलीशियस बन के तैयार हुई है। बिल्कुल है ना रेस्टोरेंट स्टाइल, और बनाने में भी हमें इतना कम वक्त लगा, और हमने जो है बिल्कुल फटाफट पूरे मसाले डाले और एकदम मसालेदार हमारी जो सब्जी है वो बन के तैयार हो गई है। और इतना कम टाइम लगता है इस सब्जी को बनाने में, यकीन जाने। जब भी आप फटाफट बनाना हो आपको कुछ भी चीज़, तो आप ये इसको आप अपने ऑप्शन में जो है वो शामिल कर लें मेन्यू के।
और फटाफट से जो है अपना डिनर जो है या फिर लंच जो है वो तैयार करें और ये बहुत इजी बनती है। चलिए इसको अपन सर्व कर लेते हैं। और जी देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया है, कितनी अच्छी हमारी जो है सब्जी बन के तैयार हुई है। और ये जो है बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। और प्लीज़ आप भी जो है इसे ज़रूर से ट्राई करें। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो कुकिंग विद अर्शी को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को जो है वो ट्राई करना ना भूलें।